वाराणसी समाज सेवी सत्येंद्र शर्मा त्यागी किताब नारी शक्ति और संकल्प को यहां पर कवर पेज का अनवरण वी आर फाउंडेशन तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसके 20 वरिष्ठ अतिथियों के रूप में काशी सेंटर बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी और सुमेधा पाठक के पिता श्री ब्रजेश पाठक, अजीत श्रीवास्तव, अखिलेश रावत, नीलम प्रियंका ने भी यहां पर विचार रखे हैं। सत्येंद्र वर्मा द्वारा बताए जा रहे सामाजिक कार्यों के साथ ही प्रशंसा भी की गई है। आज बेटियों को यहां पर कमतर आंकने वालों के लिए किताब आपको बता चले एक करारा जवाब दिया है कि किताब में काशी यह है अलावा हरियाणा, राजस्थान, प्रिय सिंह हरियाणा आदि की यहां पर कहानियां मुख्य शामिल हुई है। प्राइम बेकिंग न्यूज शानी के लिए संतोष कुमार की खास रिपोर्ट वाराणसी। बीआर फाउंडेशन अध्यक्ष पूनम जी, समाज में महिलाओं कैसे आप जागरूक करेंगी, क्योंकि अभी आपने बताया कि आप खुद एक प्रताड़ित महिला है ससुराल से, क्योंकि ससुराल भी तो कहीं ना कहीं एक तरफ से लड़कियां ही होती हैं, जो सास होती है माँ का ही तो रूप होता है, लेकिन फिर भी लड़कियों को वहाँ जो लड़कियां जाती हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, कैसे जागरूक होंगे, कैसे लोगों में सोच बदलेगी? इंसान को सबसे पहले तो ताकतवर होना चाहिए और उस मुहिम में सबसे पहले उसको शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। जो लड़की शिक्षित होंगी वो अपनी सुरक्षा खुद करेंगी, अशिक्षित होने के कारण वो इतना सहती हैं, और शायद हमारा एजुकेशन ही है जो कि आज यहाँ तक मुझे लेके आया है, और इसको परखने के लिए भी किसी की पारखी नज़र की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष के पीछे मेरे बड़े भैया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और यहाँ तक मुझे लाया। और उन बच्चियों के लिए और इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ते जाना है। वेदों में कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आप मतलब अपनी नज़रियाओं का बदल के देखिए, दुनिया अपने आप बदलेगी। यदि अगला आपके साथ क्या कर रहा है अपने आप को पहले चेंज तो करिए, उसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस